आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। शुक्रवार को सहारनपुर की पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने बताया कि सहारनपुर की नगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुरानी चुंगी के पास से मोटरसाइकिल चोरी व अन्य चोरी, नशीले पदार्थों की तस्करी व अवैध हथियार जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 शातिर अभियुक्त काकू उर्फ सूर्यकांत पुत्र सुरेंद्र कुमार, विशाल उर्फ झिंगर पुत्र मुल्कराज, सचिन उर्फ शिवा पुत्र चंद्रपाल, शाहरुख पुत्र शहजाद व बिट्टू उर्फ संजय को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 21 मोटरसाइकिल, 3 छुरी, 19 किलो डोडा पोस्ट, 8 फर्जी नंबर प्लेट तथा चोरी के जेवर, चैन व अंगूठी भी बरामद की है। एसएसपी ने बताया कि विशाल उर्फ झिंगर थाना नगर कोतवाली का टॉप 10 अपराधी भी है। टीम द्वारा एक अंतर राज्यीय जो बाइक चोरों का गैंग को पकड़ा गया है, इसमें कुल 5 अभियुक्तों का गिरफ्तारी किया गया है और इनके कब्जे से 21 मोटरसाइकिल अभी तक बरामद हुए हैं। साथ ही साथ कुछ जो 19 किलोग्राम का जो डोडा है वो मिला है और इनके साथ नाजायज़ असलाहा और कुछ फर्जी नंबर प्लेट्स भी बरामद हुए हैं और ये पूछताछ में इनके खिलाफ कुछ अभियोग भी पंजीकृत पूर्व में है और अभी भी इनसे पूछताछ किया जा रहा है और ये जो कहां चोरी किए हैं और इनका कहां दर्ज है, इसका पूरा गहराई से छानबीन किया जा रहा है और भी उम्मीद है कि बाइक वगैरह बरामद होने का और इनमें नियमानुसार जो मुकदमा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और आगे भी इनके खिलाफ जो गैंगस्टर की कार्रवाई है और संपत्ति जब्तीकरण का कार्रवाई है वो किया जाएगा और पूरी टीम को मेरे द्वारा 15,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है। सहारनपुर की थाना सदर बाजार पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा अवैध पिस्टल, तमंचा, शस्त्र बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अभियुक्त नीटू कुमार पुत्र रमेश चंद निवासी हरिद्वार, रुचिन कुमार पुत्र ऋषिपाल निवासी देवबंद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने जानकारी देते हुए बताया कि इनके पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्टल 32 बोर, 1 देसी रिवॉल्वर 32 बोर, 4 तमंचे 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखे कारतूस, 3 अदबनी बॉडी तमंचा, 5 अदबनी बरेल लोहा 315 बोर, 8 अदबने तमंचे व अन्य शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया है कि वे अवैध तमंचे व पिस्टल बनाकर उन्हें ऊंची कीमत पर जनपद व जनपद से बाहर गांव देहात में बेचकर पैसे कमाने का काम करते थे। बाजार एवं सोजी की संयुक्त कार्रवाई द्वारा एक तमंचा बनाने वाले गिरोह पकड़ा गया है। इसमें 2 शातिर अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से तमाम जो तमंचा जो देसी तरीके से बनाते थे उसका उपकरण मिला है, रॉ मटेरियल्स मिला है और 2 देसी पिस्टल 32 बोर का, 1 देसी रिवॉल्वर 32 बोर का, 4 तमंचे 315 बोर का, जिंदा और कोका कारतूस जो है 315 और 32 बोर का मिला है और 3 अदबनी बड़ी तमंचा है और 5 अदबनी बैरल लोहा वगैरह मिले हैं। इसके साथ तमाम जो चीज़ें इनके कब्जे से मिला हुआ है और इनको समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और इनके और कहां-कहां सप्लाई करते थे और कहां-कहां सप्लाई किया है इस चेन को भी पूरा गहराई से छानबीन करवाया जा रहा है और इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और इनका संपत्ति का कुर्की भी होगी। सहारनपुर में शुक्रवार को आज़ाद समाज पार्टी
वे भीम आर्मी सहारनपुर के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में एससी एसटी ओबीसी की जाति के लाभार्थियों के साथ हुए घोटाले के मामले को लेकर भारी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। जो एससी ओबीसी समाज की जो पिछड़ा वर्ग है उसकी जो है उसमें कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन किया गया है, उनका हक छीना गया है, उसको अवगत कराते हुए राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया गया है कि अगर उनका हक और आरक्षण इसी तरह छीना गया तो हम इसके लिए एक कड़ी चुनौती देते हैं सरकार को, कि क्योंकि आरक्षण जो है हमारे किसी की देन नहीं है, हमारे सिर्फ बाबा साहब की देन है, जिसके आधार पर ये देश पूरा देश चलता है, तो हम इसका खनन कभी नहीं होने देंगे। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी संयुक्त रूप से इसका घोर निंदनीय घटना है, ये इसका खंडन करती है। अगर सरकार अपनी नीतियों पर इसी तरह काम करेगी तो वो दिन दूर नहीं है, जो 2 अप्रैल को भीम आर्मी ने भारत बंद करने का काम किया था वो दिन दूर नहीं है, तो हम इसी प्रकार संसद को घेरने का काम करेंगे। अतः निवेदन। सहारनपुर की लेबर कॉलोनी स्थित BDM पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के द्वारा स्कूल संचालकों व शिक्षकों ने आज शुक्रवार को बेरोजगार दिवस मनाने का काम किया, जिसमें शिक्षकों ने मजदूरी कर सब्जी फल फ्रूट साग भाजी बिक्री करके अपना विरोध दर्ज किया। इस दौरान डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि मौजूदा केंद्र व राज्य सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करके और शिक्षित नौजवानों को नौकरी देने का वादा करके ही सत्ता में आई थी, लेकिन सरकार ने रोजगार व नौकरी देने की बजाय रोजगार छीनने पर आमादा हो गई है। चल रहा है और आज हम बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। बेरोजगार दिवस कभी किसी ने नहीं मना, हम बेरोजगार दिवस मना रहे क्योंकि सरकार ने रोजगार देने के लिए सत्ता में आई थी, ये वादा का था शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का, लेकिन रोजगार देने की बजाय सरकार ने रोजगार छीनने का काम कर रही है। रोजगार बिल्कुल छीनने पर वादा है कि सरकारी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन कटा था और उसी एक दिन के वेतन पर हल्ला काटा है, और हमारे 2 सालों से सरकार के मुताबिक हम लोग जो है आपका उनके पालन कर रहे हैं, सरकारी पालन कर रहे हैं और उसके बाद गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार के कहने पर हमने जो है आपका स्कूल बंद रखे और 2 सालों से सरकार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरा 1,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा RTE का जो बाकी बचा हुआ है और जो हमने बोर्ड की फीस दी थी जो निरस्त हुआ है उसका 1,000 करोड़ से ज़्यादा है, मेरा वही पैसा दे मेरे आर्थिक राहत पैकेज ना दे, तो सरकार निकम्मी सरकार होगी करिए। इसलिए आज जो है हम मजबूर होकर बेरोजगारी को झेलते करते हुए आज ये देखा कि रोजगार। सहारनपुर के कोट रोड स्थित पेट्रोल पंप पर जिला व महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल व अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के विरोध में धरना देकर प्रदर्शन किया, जहां पर धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने कहा कि मूल्य वृद्धि की वापसी और बढ़ती महंगाई के लिए यदि सरकार ने कोई पहल नहीं की तो देश व प्रदेश की भाजपा सरकारों का अंत तय होगा। इस दौरान धरने में महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा सहित भारी संख्या में अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में आज पेट्रोल डीजल को लेकर सभी कांग्रेसजन पेट्रोल पंपों पर ये कार्यक्रम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम पूरे भारतवर्ष में कम होने चाहिए। जैसा कि हमारे नेता श्यान भाई ने बताया कि फूड के दाम कम हैं लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम इतने हो गए हैं, हमारे आज इस नारे के साथ कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो डीजल 90 और पेट्रोल 100 के नारे के साथ हम आज यहाँ पे धरने पर सभी साथी एकत्र होकर बुलंद आवाज में इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम गांधीवादी लोग हैं, एक बार नहीं सुनेंगे, 2 बार नहीं सुनेंगे, तीसरी बार नहीं सुनेंगे, ऊपर वाला देख रहा है कभी तो सुनेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से गांधीवादी तरीके से अपना धरना प्रदर्शन किया है और इसी प्रकार से हम अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज व सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।